हेलो स्टूडेंट्स सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्शुअल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है और इस वीडियो में आज जो हुआ था आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट टू का एग्जाम उसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो लाएडेंस ठीक है इसमें इस आपका क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और आगे किस टाइप का आएगा स्टूडेंट्स ये हाँ हम जो बताए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच किया कि नहीं ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला स्टूडेंट ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा उससे में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट ताकि आगे आने से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है ठीक है तो वीडियो को शुरू करते रहेंट जैसा कि आप देख पा रहे हो ठीक है कभी राइट यानी कि आपका ये विनोवा भाई यूनिवर्सिटी का है ठीक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट टू का है ठीक है सेट वन का भी वीडियो डाल दिए थे बाईस टू छब्बीस वाले सेशन का स्टूडेंट्स ठीक है तीन घंटे का हुआ था पचहत्तर नंबर का और इसमें भी वही सारा कुछ लिखा हुआ है परीक्षार्थी संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और और बाकी सारा कुछ ठीक है तो जो क्वेश्चन नंबर ये है इसमें भी कंपलसरी है जैसा कि उसमें था ठीक है ये जो है फ्रेंड्स एक एक नंबर करके पांच क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है सभी अतिलोत्री प्रश्नों के उत्तर दें तो आपका उत्तर देना है जैसे कि पहला आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी तो यहाँ देश के बारे में बता रहा है पूछ रहा है ठीक है तो आपको देश के बारे में बताना है फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था ठीक है तो कुछ जानकारी के अनुसार हमको जैसे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के तरफ वाले देशों में ठीक है जैसे कि सिंगापुर वगैरह बता सकते हैं हम लोग ठीक है तो ये हो गया आपका देशों का नाम फिर आगे देखिए जैसे कि गायत्री मंत्र मूलता किस वेद में है तो ऋग्वेद में फ्रेंड्स ठीक है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन दिया गया है ठीक है फिर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स भारत के मूल संविधान में कितनी सूचियाँ हैं तो ये अनुसूचियाँ आठ अनुसूचियाँ हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो आठ आप लिखेंगे तो सही नहीं तो आपका गलत होगा ठीक है फिर पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है विनोबा यूनिवर्सि विनोबा भावे से संबंधित है स्टूडेंट्स ठीक है तो ये था फिर अठारह सौ के शहीद जयमंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंधित हो हजारीबाग से स्टूडेंट्स ठीक है हम लोग के हजारीबाग से तो ये सारा कुछ का आंसर हो गया सुनो तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें दो का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जैसे कि दो नंबर का यानी कि दो क्वेश्चन रहेगा पचप पच नंबर का रहेगा ठीक है थीक? नालंदा विद्यापीठ पर लिख सकते हैं उसके बाद फिर आप हिमालय पर लिख सकते हैं हरित क्रांति पर लिख सकते हैं भूदान आंदोलन से लिख सकते हैं इनमें से दो ही आपको लिखना है और उसमें टिप्पणी लिखना है उसके बारे में जितना कुछ आप जानते हैं पाँच नंबर का ठीक है फिर यहाँ क्वेश्चन दिया वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें वैदिक धर्म ये जितना भी कुछ आपका आया है क्वेश्चन आश्चर्य इस सारा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी, वाले वीडियो के अंदर से ही आया ठीक है उसी पॉइंट के अंदर से आयुशन कोई भी अभी तक मतलब कि नया आपका पॉइंट नहीं मिला ठीक है वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर ऋग वे, वे, वेद के बारे में तो हम उसमें लिखे ही थे ठीक है वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में मतलब। बताएं इसमें धार्मिक पूछ रहा है ठीक है धार्मिक पूछ रहा है तो ये आपका धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ठीक है तो पंद्रह नंबर का आपको बढ़िया से लिखना है इसमें लिखना था ठीक है तीसरा नंबर गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए तो हम जैन और बुद्ध जैन और बुद्ध बुद्ध धर्म के बारे में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में बताए ही थे थी, ठीक है जो कि यहाँ पर आपका है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको इसमें सी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में था ये सारा कुछ का नोट्स भी बना दिए थे जो पढ़ के गए होंगे वो तो गर्दा उड़ा दिए होंगे एकदम ठीक है और जो नहीं पढ़ के गए होंगे जिनको लग रहा होगा इसी तरह हम बता दे रहे हैं तो फिर उनका तो हानि हुआ ही होगा ठीक है लेकिन अब उनको पछतावा भी हो रहा होगा ठीक है अब देखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है सत्याग्रह के बारे में भी हम उसमें बताए थे सत्याग्रह पर गांधी जी के विचारों का वर्णन करें गांधी जी के बारे में तो बताए थे इसमें जैसे कि बहुत स्वतंत्रता सं, संग्राम के बारे में बताए थे ठीक है तो वही इसमें भी है ठीक है अब देखिए झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का भी उल्थ है झारखंड बिरसा मुंडा के बारे में भी देखिए झारखंड के झारखंड के सेनानियों के बारे में हम बताए थे ठीक है अठारह सौ सत्तावन के झारखंड के सेनानी वगैरह के बारे में उसमें हम बताए थे ठीक है तो वो बिरसा मुंडा के बारे में भी बताए थे उसमें तो ये सारा कुछ है ठीक है फिर छठा नंबर देखिए आपका भारत के स्वाधीनता में सुभाष चंद्र बोस इनके लिए भी हम उसमें बताए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए फिर भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए संविधान के बारे में तो बताए ही थे भारत की भौतिक विशेषताओं की भौगोलिक है ठीक है भौतिक विशेषताओं के बारे में एकदम सेम टू सेम सेंट क्वेश्चन आया ठीक तो ये आपका आठ क्वेश्चन थे स्ट्रेंड्स ठीक है आप कितना बना पाए बढ़िया से आप जरूर बताइएगा ठीक है और स्ट्रेंड्स आपको इंटरप्रीनरशिप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो डाल दिए ठीक है थे? उसका भी आप लोग देखिए सी सी थ्री का भी डाल दिया जाएगा आज ही कल में तो उसका भी आप लोग देखते रहिए ठीक है चैनल में हमेशा बने रहिएगा क्वेश्चन ठीक है ताकि आपका हमेशा लाभ होते रहे ठीक है और फ्रेंड्स और भी जो है आपका और भी अगर सब्जेक्ट का देखना चाह रहे हैं इंटरप्रीनरशिप सी सी थ्री वगैरह हेल्थ एंड वेलनेस वगैरह का तो सारा आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट बना दिया गया ठीक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है फ्रेंड्स ये हमेशा के लिए आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे होंगे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं ठीक है ऐसा मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप हिंदी में ही लिखें या इंग्लिश में ही लिखे ठीक है आपका जिसमें सुविधा और हम तो कहेंगे कि स्टूडेंस अगर आप हिंदी में बढ़िया लिख पा रहे हो कंटेंट आ रहा है तो हिंदी में ही लिखे अगर इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं बाकी तो आपके पास ही क्वेश्चन एस्टूडेंस ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारा कुछ आपका मैच कर ही रहा है तो आप इस चैनल से हमेशा बने रहिएगा क्योंकि यू जी पी जी के सारे सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने मिलेगा इस्ट ठीक है और सारे सब्जेक्ट सारे यूनिवर्सिटी का और इसके साथ ही स्टूडेंस आपको जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मिलेगा ठीक है उसके साथ ही आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए उसने ठीक है और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह भी बनाए उसने तो उसमें भी ज्वाइन हो जाएगी ताकि आपके वहाँ पर सारा पी डी एफ्स वगैरह शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल में भी किया जाता है ठीक है तो इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था उसने थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर में लेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातरम